फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र ठाकुर। आज हम सीखेंगे वो सारे सेंटेंसेस जिनके अंत में दें, दो या दीजिए आता है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे जाने दो। अब आपने देखा इस सेंटेंसेस के लास्ट में दो आया। यहाँ पर एक और बात गौर करने लायक है कि यहाँ पर हिंदी की वर्ब में ना ने नी भी आता है। सो हम कहेंगे कि वो सारे सेंटेंसेस जिनकी हिंदी की वर्ब में ना ने नी आकर दें, दो या दीजिए आता है, उसे इंग्लिश में बदलने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट हम सेंटेंस के शुरुआत में लगाते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में ना लगाकर हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस है आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। नॉमिनेटिव केस है वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस। नॉमिनेटिव केस है ही, ऑब्जेक्टिव केस है हिम। सो इस तरीके से हम लेट के बाद तुरंत सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस ना लगाकर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, प्लस हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे मुझे बोलने दो। सो लेट सेंटेंस की शुरुआत में मुझे के लिए आई ना लगाकर मुझे मी लगाना होगा। लेट मी बोलने के लिए स्पीक, लेट मी स्पीक। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मुझे पहले बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे पूछने दो, लेट हिम आस्क। उन्हें खेलने दो, लेट देम प्ले। So, इस तरीके से आपने देखा कि वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनकी क्रिया के अंत में ना ने नी आकर दें, दो, दीजिए आता है, उन्हें किस तरह हम लेट का उपयोग करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं।